देखो बेटा, अमीन्स में सबसे पहले इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। बताओ नाइट्रो कंपाउंड्स से कैसे बना सकते हैं? बोलो, बेटा नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन नहीं करा सकते? अरे नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करा सकते हैं, नहीं करा सकते? देखो बेटा, नाइट्रो कंपाउंड्स में जैसे RNO2 है कोई भी आपके पास, तो RNO2 का ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ना है, अमीन्स बनाना है, तो नाइट्रो कंपाउंड से बनाएंगे बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। तो RNO2 है, ये RNO2 का रिडक्शन करा सकते हैं हम निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इन मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ। यस और नो? यस सर। उसके बाद देखो, और हम ले सकते हैं एक्टिव मेटल्स, इनमें से कोई भी एक मेटल ले सकते हो, और एक्टिव मेटल्स लाइक SN, ZN, Fe, आयरन प्लस HCl, HCl के साथ ये एक्टिव मेटल्स भी ले सकते हैं, तो इनसे भी क्या बन जाएगा अपने पास? अमीन्स बन जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये इसको किस में बदलवा देंगे? RNH2 प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो देखो जनरल अमीन बन गई, नहीं बनी? यस सर। अब देखो यहां पे जैसे ये एक्टिव मेटल्स कैसे कराएंगे, जैसे मान लो SN प्लस HCl है, तो SN प्लस HCl के साथ रिएक्ट करके ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन विल बी यूज्ड इन रिडक्शन प्रोसेस, दिस विल बी यूज्ड अप इन रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद देखो ARNH2 aromatic ले लें हम कोई भी, जैसे बेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन ले लिया NO2, तो NO2 नाइट्रोबेंजीन में इनमें से कोई भी ले लो, ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे SN प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा इसमें? NH2 लग जाएगा अपने पास, एनिलीन विल बी फॉर्म्ड, राइट? एनी डाउट कि नाइट्रो कंपाउंड से कैसे बनाएंगे हम? नाइट्रो कंपाउंड से बनाएंगे बाय रिडक्शन रिएक्शन। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? तो रिडक्शन के लिए इसमें डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स लेंगे हम, तो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्टिव मेटल्स ले सकते हैं, एक्टिव मेटल्स की किसके साथ? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एक्टिव मेटल्स, और ये एक्टिव मेटल्स प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड और निकल प्लेटिनम और पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इनका रिडक्शन करा देंगे अमीन्स के अंदर। ठीक है? यस सर। इसको एनिलीन भी और क्या बोल सकते हैं हम? बेंजीन, बेंजीन अमीन। उसके बाद देखो, जैसे ये ले लिया जनरल कोई भी CH3CH2 नाइट्रो इथेन, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, ऊपर वाले अबो है नहीं, तो किस में रिड्यूस कर जाते हैं इसमें? CH3CH2NH2 प्लस, सब में वाटर बाहर हो जाएगा बेटा, H2O प्लस H2O, समझ गए? यस सर। बोलो बेटा, ये नाइट्रो कंपाउंड से क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखो, एक इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है,
देखो यहाँ पे अगर तुमने ले लिया CH3, यही यही सब्सटेंस लिया है, नाइट्रोइथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ड्राई ईथर, तो ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये भी इसको रिड्यूस करा देगा इनटू इथेनामीन प्लस H2O, राइट। लेकिन अगर तुम जैसे ऊपर नाइट्रोबेंजीन लिया था ना, अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराते हो, देखो नाइट्रोबेंजीन का एक्टिव मेटल्स के साथ एनिलिन एरोमेटिक अमीन बन रहा था ना बेटा, यस सर, और यस अगर सर, यहाँ पे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, इसमें ये NH2 नहीं, NO2, तो दिस बेंजीन एन डबल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं हम एजो बेंजीन, ये बन जाएगा इसके अंदर। एजो बेंजीन विल बी फॉर्म्ड, समझ गए? ये बाय नाइट्रो कंपाउंड्स। उसके बाद सेकंड है फ्रॉम एल्काइल लाइट्स, इसको एल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा था हमने इस रिएक्शन को, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑफमोन्स अमोनोलाइसिस मेथड। ऑफमोन्स अमोनोलाइसिस मेथड, ठीक है बेटा। जैसे इसके अंदर एल्काइल हैलाइड्स में RX है, कोई भी एल्काइल हैलाइड, उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, अमोनिया एक्सेस में ले लो, तो अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो क्या बन जाएगा उससे, RNH2, ये प्राइमरी अमीन बन जाएगी, प्लस HX बाहर हो जाएगा। बोलो बना नहीं बना, यस सर, देखो अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन, कौन बताएगा इसमें बताओ, RX एक्सेस में लेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड RX एक्सेस बताओ क्या बनेगा इसमें। देखो एक RX अमोनिया के साथ रिएक्ट करके पहले बनेगा प्राइमरी अमीन, ये हम पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन को ऑलरेडी, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में, तो ये RNH2 बनेगा, फिर एक और एक्टिव हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा इसमें RX के साथ, माइनस HX R2NH सेकेंडरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन, उसके बाद एक और RX के साथ रिएक्ट करेगा, माइनस HX R3N टर्सरी अमीन। अब देखो इसके पास अब एक्टिव हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसमें ये लेवाइस बेस की तरह बिहेव करेगा, तो एक और RX के साथ रिएक्ट करके और ये बना लेगा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स RX, तो इट फॉर्म्स R4N+X-। समझ गए? यस सर, ये एल्काइल हैलाइड्स के साथ कि अगर अमोनिया एक्सेस में ले होगा तो क्या बन जाएगा, आर प्राइमरी अमीन, और अमोनिया ये RX एक्सेस में ले होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स। समझ गए? यस सर, अब देखो इस रिएक्शन के अंदर एक और खास बात है कि इस रिएक्शन से हम एरोमेटिक एनिलीन नहीं बना सकते, नोट, कौन बताएगा व्हाई एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, बोलो। अरे अभी एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन तुम्हारे,
एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, क्योंकि एनिलीन में बना नहीं है. तो देखो आर एक्स की जगह ए आर एक्स लेंगे, नहीं लेंगे हम. यस सर, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू टेक ए आर एक्स. ये लेना पड़ेगा. और इसके अंदर ड्यू टू रेजोनेंस एनएसआर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल एंड दिस इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएसआर रिएक्शंस. यस और नो? यस सर. यस सर. ये एनएसआर रिएक्शंस के लिए लेस रिएक्टिव होगा. बताओ क्यों होगा? Why it is less reactive towards NSR reactions? बताओ बेटा. अरे एक तो इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता, ये डबल बॉन्ड लोन पेयर पार्टिसिपेट करती है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अटेन कर लेता है. एक फिनाइल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, वो अनस्टेबल होता है. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मीन्स बॉन्ड इज लेस पोलर. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है ये. और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिपेल करती है. यस और नो? यस सर. फिर यस सर, कैसा बोलते जाते हो. उसके बाद नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स nitriles means cyanides, by reduction of nitriles and isonitriles. By reduction of nitriles or isonitriles. देखो बेटा साइनाइड है यहाँ पे RCN. ये भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस के अंदर मैंने बताया था एल्काइल हैलाइड्स के अंदर. देखो RCN है तो RCN का यहाँ पे निकल प्लेटिनम और पैलेडियम विद हाइड्रोजन ले सकते हो या नहीं? कंप्लीट रिडक्शन करा दो इसका. यस सर. और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यस. और एक इसमें मेंडियस रिडक्शन भी डिस्कस किया था हमने, एन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल. एन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल. दिस इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन. तो ये देखो क्या बन जाएगा इसके केस में. यहाँ पे आर सी एच टू एन एच टू, राइट? यस सर. जैसे CH3CN है. कंप्लीट रिडक्शन करा दो इनमें से, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो. निकल रेने निकल भी ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. तो ये क्या बन जाएगा इसमें? इथेनामीन CH3CH2NH2. एरोमेटिक भी ले सकते हो यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल. दिस इज बेंजोनाइट्राइल. बताओ क्या बन जाएगा इसमें? बेंजाइलामीन. शाबाश, बेंजाइलामीन विल बी फॉर्म्ड CH2NH2. फिर आइसोनाइट्राइल्स का भी पढ़ा था. बताओ आइसोनाइट्राइल्स में एक लिमिटेशन होती है, क्या होती है? ये था फ्रॉम नाइट्राइल्स. बना दोगे नाइट्राइल्स से? यस सर. और देखो बेटा इसमें एक खास बात है नाइट्राइल्स में, ये मैं हमने एल्काइल हैलाइड्स में इसलिए पढ़ा था. देखो वहाँ पे एक रिएक्शन बताई थी मैंने, RX की NSR रिएक्शन करवाई थी हमने KCN के साथ. तो माइनस क्या हुआ था? KX. और ये बन गया था RCN. तो देखो एक कार्बन बढ़ाने में काम आता है ना ये रिएक्शन. यस सर. तो मतलब इस रिएक्शन को दिस इज यूज्ड
to increase. Number of carbon atoms in the chain. चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है बेटा ये रिएक्शन को, राइट? अब देखो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड अपने पास आरएनसी सेम वो ही रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे हम, तो आरएनसी का रिडक्शन करा दो सेम इनमें से अबव रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, तो इसमें ये भी लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, ये रिड्यूस हो जाएगा RnHCH3। देखो सेकेंडरी अमीन बना है ना, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है बेटा कि ओनली मिथाइल सेकेंडरी अमीन्स बनेंगी। देखो ये जो सी है, ये सी हमेशा सी एस थ्री में रिड्यूस होगा ना, yes, तो क्या होगा इसके अंदर, इसकी लिमिटेशन होगी अपने पास कि सेकेंडरी अमीन तो बना सकते हैं लेकिन ये हम नंबर ऑफ कार्बन एक ही साइड में वेरी कर सकते हैं, बाकी एक साइड में तो सी एस थ्री ग्रुप फिक्स हो जाएगा। लिमिटेशन इज ओनली ओनली मिथाइल सेकेंडरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। केवल इसमें मिथाइल सेकेंडरी अमीन्स बनेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। और एआरएनसी ले लें अगर यहां पे एरोमेटिक, तो एआरएनसी का रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा एन मिथाइल एनिलीन एनएच सीएच3। इसको नाम कैसे देंगे, एन, एन के ऊपर जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन मिथाइल एनिलीन और बेंजीन अमीन एन मिथाइल बेंजीनामीन, राइट? समझ गए? यस सर। ये बेटा नाइट्राइल से, उसके बाद बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स एसिड अमाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ फोर्थ बाय रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। देखो बेटा एसिड अमाइड्स में इसमें बिल्कुल आसान सा रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है, लिथियम एल्युमिनियम आयरन, राइट? सभी अमाइड्स को रिड्यूस करा देगा उनकी कोरोस्पोंडिंग अमीन्स में यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है? इट रिड्यूसेस ऑल अमाइड्स into its corresponding amines, सभी amides को उनकी corresponding amines में reduce कर देगा। जैसे generally हम लिख दें R C double bond O NH2, तो R C double bond O NH2 lithium in the presence of dry ether, it will get reduced to R CH2 NH2 प्लस एच टू ओ। ए आर भी ले सकते हैं यहाँ पे हम, बेंजामाइड, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू बेंजामाइड, तो ये बेंजामाइड का रिडक्शन करा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सी एच टू एन एच टू बेंजाइल अमीन में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बेटा?
इसमें सब्सटीट्यूटेड अमाइड भी ले सकते हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड हो, एन एच आर, एन एन एच आर डैश, इसको हम बोलेंगे एन एल्काइल, एन एल्काइल एल्केनामाइड। तो ये सेम एन एल्काइल एल्केनामाइड में ये रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, तो देखो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, आर सी एच टू एन एच आर, बताओ क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया बेटा। टर्सरी भी बना सकते हैं, देखो टर्सरी के लिए दो सब्स्टिट्यूएंट ले लो लगे हुए, जैसे ये है ऐसे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एच थ्री सी एच थ्री, इसको क्या बोलेंगे हम, एन 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 डाई एल्काइल, डाई एल्काइल नहीं, यहाँ पे जैसे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल बोल देंगे, डाई मिथाइल। एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एल आई एल एच फोर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन सी एच थ्री सी एच थ्री। देखो बेटा टर्सरी अमीन बन गया ना, यस सर। इसको क्या बोलेंगे हम, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइड, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइड, ये बन जाएगा इसमें। इस तरीके से बनाएंगे अमीन्स को हम बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर, नो सर, नो सर। अब देखो नेक्स्ट दो रिएक्शन जो आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन से भी पूछी जाती हैं, और ऐसे भी। देखो हमने अभी तक पढ़े हैं जो कॉमन रिएक्शंस, इसमें से दो तीन रिएक्शंस तो हम पहले डिस्कस कर चुके। फर्स्ट है भाई नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स का आसान है, नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या कराना है बेटा आपको, रिडक्शन कराना है। तो अमीन में रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन बस ये याद रखना है कि नाइट्रो बेंजीन में अगर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है तो एजो बेंजीन बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड्स में अगर अमोनिया एक्सेस में है तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, और अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो चार पांच स्टेप में रिएक्शंस होगी, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनेंगे, और इससे हम एनिलीन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे को एआरएक्स लेना पड़ेगा, एआरएक्स के अंदर एनएसआर रिएक्शंस के लिए वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। फिर नाइट्राइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड से रिडक्शन करा के बना सकते हैं, उनसे एक कार्बन भी बढ़ा सकते हैं हम। आइसोसाइनाइड में एक लिमिटेशन होगी, क्या लिमिटेशन है, कि मिथाइल अमीन्स ही बनेंगी, राइट? यस सर। फिर एसिडामाइड्स, एसिडामाइड्स के अंदर जो है बेटा अपने पास, उससे हम सब्स्टिट्यूटेड लेंगे तो सेकेंडरी और टर्सरी बन जाएगा, नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल अमाइड बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी सीधी, ये कन्वर्जन में भी काम आएगी और डायरेक्ट आ जाएगी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, देखो दो नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो थैलीअमाइड होता है और ये क्या है, देखो थैलीमाइड इमाइड है ये बेटा, क्या है, इमाइड, इमाइड। देखो इमाइड बोलते हैं हम एनएच, एनएच की दो वैलेंसी से ऐसे सेटिस्फाइड हो, इसको बोलते हैं इमाइड, और एनएच टू इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम ऐसे, अमाइड। जैसे सी डबल बॉन्ड हो एनएच टू को अमाइड बोलते हैं, नहीं बोलते, और ये इमाइड क्या होगा, एनएच सी डबल बॉन्ड ओ से ऐसे यूं एनएच ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है बेटा, देखो तो सबसे पहले हम इसमें थैली अमाइड भी बनाने के लिए पूछा जाता है कि देखो ये हम ले लेते हैं थैलिक एसिड सी ओ एच, बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं हम,
थैलिक एसिड। अब देखो इस थैलिक एसिड की P2O5 के साथ रिएक्शन करा दो, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो माइनस H2 होने के बाद ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे बेटा हम थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की अमोनिया के साथ हीटिंग करा दो, कंडेंसेशन करा दो, तो अमोनिया के साथ हीटिंग कराओगे तो इसमें माइनस H2 हो जाएगा, और H2O माइनस होगा तो बन जाएगा अपने पास थैलीमाइड, NH। क्या बोलेंगे इसको हम? थैलीमाइड। देखो NH की दो वैलेंसी फ्री है ना C डबल बॉन्ड O के साथ। यस सर, समझ गए बेटा ये? जैसे ये NH की हमने दो वैलेंसी फ्री करके रखा था ना, यहाँ C डबल बॉन्ड O, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? इमाइड, थैलीमाइड बन गया अपना। देखो यहाँ तक ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है, तो अब अभी तक गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, अब शुरू करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है ना ये। ठीक है बेटा? यस सर। अब इस गैब्रियल थैलीमाइड की रिएक्शन कराएंगे हम, इस यहाँ से शुरू होगी रिएक्शन। तो देखो गैब्रियल थैलीमाइड की रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे हम KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH एक्वस के साथ, यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H+, तो H+ बाहर होगा तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव K पॉजिटिव। बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलीमाइड। क्या बोलेंगे? पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलीमाइड, और नॉर्मली पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक बेटा? उसके बाद देखो पोटेशियम थैलीमाइड की RX के साथ रिएक्शन करानी है तुम्हारे को, RX एल्काइल हैलाइड। तो देखो इस एल्काइल हैलाइड के साथ माइनस क्या हो जाएगा? KX, तो KX माइनस होगा तो ये बन जाएगा N एल्काइल थैलीमाइड। N के ऊपर R जुड़ जाएगा इसमें, इसको क्या बोलेंगे हम? N एल्काइल थैलीमाइड। अब देखो बेटा ये एन एल्काइल थैलीमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दो, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दो, एसिडिक और OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये अपने पास बन जाएगा। देखो हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे OH, तो देखो अपने पास एक तो बन गया RNH2, मतलब प्राइमरी अमीन ही बनेगा इस मेथड से, प्लस प्लस वापस से थैलिक एसिड बन गया, तो इसका फायदा बताओ क्या हुआ? बताओ बेटा। देखो इसका फायदा ये हो गया ना कि ये मतलब कॉमर्शियल मेथड हो सकता है, थैलीमाइड थैलिक एसिड वापस रिकवर हो गया। Yes, sir. So this is a commercially useful. Useful because thallic acid is formed as a
साइड प्रोडक्ट हैंस कैन बी रीयूज्ड, इसको वापस से यूज में लिया जा सकता है। देखो एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट, इससे हम एनिलिन नहीं बना सकते बेटा, थैलिक इस रिएक्शन से। बताओ एनिलिन क्यों नहीं बना सकते? बोलो बेटा, व्हाई एनिलिन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड? देखो एनिलिन बनाएंगे तो यहां पे आरएक्स की जगह एआरएक्स लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, वही ऊपर वाला रीजन है। यस सर। यस सर। तो एआरएक्स के अंदर एनएसआर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। एनिलिन cannot be prepared by this method. Because for that we have to take ARX and NSR reactions के लिए it is least reactive. समझ गए बेटा Gabriel thalamide synthesis? Yes sir. Yes sir. उसके बाद last, yes, next sixth method. By Ohmmon's bromamide reaction. Ohmmon's bromamide reaction. देखो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है बेटा, Ohmmon's bromamide रिएक्शन। देखो Ohmmon's bromamide के अंदर इसका नाम जैसे इंडिकेट कर रहा है Ohmmon bromamide, मतलब ब्रोमामाइड इसमें इंटरमीडिएट बनता है। देखो जनरल रिएक्शन ये होती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू लेते हैं हम, दिस इज एसिड अमाइड। अब इसकी डिग्रेडेशन कराते हैं हम किसके प्रेजेंस में, KOH और NaOH, KOH भी बेस ले सकते हो और NaOH एक्वस प्लस Br2 ब्रोमीन। अब उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास फाइनली बन जाता है ये RnH2 प्लस Na2CO3। बताओ इसके अंदर अभी से कोई खास बात दिख रही है? क्या खास बात है? NaBr K लेंगे तो K2CO3 बन जाएगा और यहाँ पे NaBr की जगह KBr प्लस H2। बताओ क्या खास बात है इसमें? बोलो बेटा। अरे इस रिएक्शन में क्या खास बात है? देखो ये जो अमीन बन रही है प्राइमरी अमीन, इस प्राइमरी अमीन में एक कार्बन कम नहीं है? यहां से देखो ये एक कार्बन हट गया ना। यस सर। इन इस प्राइमरी अमीन के अंदर वन कार्बन लेस, तो इसका मतलब इस ये रिएक्शन में जब कार्बन का नंबर कम करना हो तो इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं हम। यस सर। वन कार्बन लेस देन द ओरिजिनल कंपाउंड।
hence this reaction can be used to decrease number of carbons in the chain. Decarboxylation reaction की जैसे होगी ना बेटा, इसमें कार्बन का नंबर कम करने के लिए लिया जा सकता है इसमें. Yes sir. Yes. अब देखो एक बात याद रखनी है, ये ऐसे KOH plus Br2. KOH plus Br2 इससे cold state के अंदर hypobromide बन जाता है, KOBr. इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोब्रोमाइट. जैसे अभी कोरोना वायरस में सुना होगा ना, हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया. नहीं सुना? तो ये हाइपोब्रोमाइट है बेटा, ये हाइपोब्रोमाइट. जैसे वो हाइपोक्लोराइट होता है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaOCl को बोलेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट. ठीक है? Yes, sir. तो देखो इसमें Br का ऑक्सीडेशन स्टेट K के ऊपर प्लस वन है, Br का भी प्लस वन होता है बेटा, क्योंकि ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. अब देखो ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है, इसमें इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तुम्हारे को ये याद रखना है बस इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है. देखो ये NH H, तो ये जो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट है KOBr, तो इसकी प्रेजेंस में माइनस HBr बाहर हो जाता है. तो देखो यहाँ से माइनस HBr बाहर होगा, सोचो इसमें कैसे क्या हुआ बेटा. देखो Br के ऊपर तो प्लस वन चार्ज था, प्लस था ना, तो इसका मतलब H के ऊपर H माइनस की फॉर्म में बाहर हुआ है बेटा. तो H माइनस की फॉर्म में बाहर हुआ तो ये क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड. NH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया नहीं आया, जब H माइनस की फॉर्म में बाहर हुआ तो. अब ये देखो Br जो H माइनस की फॉर्म में बाहर हो गया यहाँ पे, अब इसके ऊपर क्या करता है, Br2 जैसे लिया था हमने तो KOBr तो इसमें आ गया था HBr, तो एक Br माइनस भी बना था, बचेगा इसमें. जब Br2 में एट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी तो एट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, देखो ये Br माइनस बन गया, ये Br प्लस, तो प्लस ने तो KOBr बना लिया. अब ये माइनस वाला बी आर माइनस इसके ऊपर जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा अपना आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच बी आर. इसको बोलते, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है ब्रोमामाइड. देखो ये बन गया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम इंटरमीडिएट को, ब्रोमामाइड. इसलिए हमें इस रिएक्शन का नाम है ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन. समझ गए? Yes, अब देखो जो हमने बेस लिया था NaOH और KOH, वो यहाँ से एक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक H प्लस को निकालेगा, तो यहाँ से माइनस H2 हो गया और ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड ओ. H प्लस को बाहर निकाला तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया. अब ये जो Br माइनस था यहाँ पे, ये Br माइनस ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाएगा यहाँ से. तो देखो Br माइनस की फॉर्म में अलग हो गया, तो N का ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. बोलो बेटा. yes, भाई ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए, वी आर माइनस के पास. तो बी आर माइनस के पास गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एन के ऊपर, और एक नेगेटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए ना, फिर इसमें एट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी और ये जाएगा एन के ऊपर. तो देखो इसमें ये बन जाएगा अपने पास आर, और ये इधर आ जाएगा एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ. इसको बोलते हैं हम एल्काइल आइसोसाइनेट, मतलब यही बस खास बात है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट. ठीक है? अब इस एल्काइल आइसोसाइनेट के अंदर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ ओ एच माइनस, तो ये बन जाता है आर एन एच टू प्राइमरी अमीन प्लस के टू सी ओ थ्री, के टू सी ओ थ्री या एन ए टू सी ओ थ्री. समझ में आया नहीं आया कैसे बनेगा इसमें?
तो ये मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। तुम्हारे को मेन रिएक्शन याद रखनी है कि एक कार्बन कम हो जाएगा इसमें, और ये ऑफमोन्स ब्रोमामाइड क्या बनता है इसमें, इंटरमीडिएट, और KOBr बनता है इसमें पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड KOBr, और क्या बनेगा NaOBr अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो। समझ गया बेटा? यस सर। बोलो, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।